बच्चा जैसे उतर के दो कदम चला तो एकदम से मेरा बच्चा एक गड्ढे में गिर गया। मेरी छोटी बेटी भी साथ होती है, शुक्र है कल वो पहले नहीं उतरी क्योंकि वो इससे छोटी है। अगर वो गड्ढे में गिर जाती तो मैं शायद ना खींच पाता, ना निकाल पाता, गड्ढे में पानी था। अभी भी ये घबराया हुआ है, रात भी दो तीन बार ये डर डर के उठा, बोलने की कंडीशन में भी नहीं है बच्चा। पानी इतना था कि मेरे बच्चे की छाती तक ये डूब गया था पानी में, इसके पूरे कपड़े ये सब गंदे थे सर, शायद मैं अपने बच्चे को ना बचा पाता। NDMC की लड़ाई में मेरा बच्चा क्यों फंसे? सुबह 8 बजे की घटना है, मेरा बच्चा है, मेरी एक बेटी भी है, तो मैं उन्हें रेगुलर डेली स्कूल छोड़ने जाता ही हूँ सुबह। तो सुबह 8 बजे जब मैं स्कूल छोड़ने गया तो स्कूल के गेट पे, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने ही गेट पे मैंने बच्चे को उतारा। तो बच्चा जैसे उतर के दो कदम चला तो एकदम से मेरा बच्चा एक गड्ढे में गिर गया। मैं देखता हूँ कि वहां पे एक प्लाई, मतलब उसका गत्ते का बोर्ड है, गत्ते का बोर्ड है, वो फट गया और बच्चा गड्ढे के अंदर चला गया। मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, एकदम से उन्होंने हाथ पकड़ लिया, मैं आया इधर से उतर के, तो लोगों ने मेरे बच्चों को फटाफट खींच के बाहर निकाला। तो मतलब खींचने में भी इतनी मशक्कत करनी पड़ी, गड्ढा गहरा था, तो हमें बिल्कुल लेट के रोड पे मैंने अपने बच्चे को निकाला। मेरी छोटी बेटी भी साथ होती है, शुक्र है कल वो पहले नहीं उतरी क्योंकि वो इससे छोटी है। अगर वो गड्ढे में गिर जाती तो मैं शायद ना खींच पाता, ना निकाल पाता, गड्ढे में पानी था और कल बारिश नहीं थी, अगर बारिश होती तो वो ओवरफ्लो होता। गड्ढे के ऊपर गत्ते का जो बोर्ड रखा हुआ था, लेकिन साथ में ये ढक्कन भी पड़ा हुआ था, वहीं पे ढक्कन कोई टूटा हुआ नहीं था या ढक्कन कोई क्रैक नहीं था। जब हमने वहां पे देखा कि गत्ता ढक्कन हटा हुआ है, गत्ते का बोर्ड है, हमें मेरे बच्चे को पता ही नहीं लगा कि वहां गटर है क्या है। लोगों ने बचाया, उसके बाद में अपने बच्चों को एम्स लेके गया। मेरा बच्चा कल 7-8 घंटे एम्स में रहा, इसकी सारी वहां पे जांचें हुई। अभी भी ये घबराया हुआ है, रात भी 2-3 बार ये डर डर के उठा, बोलने की कंडीशन में भी नहीं है बच्चा। ओवरऑल मैं शुक्र हूँ परमात्मा का, मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। और पानी इतना था कि मेरे बच्चे की छाती तक ये डूब गया था पानी में, इसके पूरे कपड़े ये सब गंदे थे सर। वो तो इतना, मतलब लोगों ने वहां पे जो मेरी मदद करी, 2-3 मिनट में मेरे बच्चे को फटाफट बाहर निकाल लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती शायद मैं अपने बच्चे को ना बचा पाता। आप कितनी उम्र है? 7 साल का है सर, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है किसकी लापरवाही है? आप सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये हादसा हुआ ये किसी और के साथ भी हो सकता था। मैं तो अपने बच्चों को लेके जाता हूँ जब पेरेंट्स, मैं इसके साथ गया, बहुत सारे बच्चे तो वहां अकेले भी आते हैं सर, ना किसी को पता लगता गड्ढा गहरा है। अगर कोई बच्चा गिर जाता तो जो बच्चे अकेले स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, अगर वो गिर जाते कौन देखता सर? मैं तो अपने बच्चे को साथ जाता था, इसलिए मुझे पता था कि जैसे मेरा बच्चा गिरा, मेरी वाइफ ने इसका हाथ पकड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जब बच्चा अंदर गड्ढे में गिर गया बह ना जाए। लोगों ने मदद करके बाहर निकाला। जब हमने वहां पे देखा कि वो स्कूल के सामने ही घर है, D-140 शायद, तो उसके आगे वो गड्ढा है, गड्ढा यानी कि गटर है, गटर को किसी ने शायद साफ करवाने के लिए खोला था, किस वजह से खोला था नहीं पता, पर उसका ढक्कन अलग था और गटर के ऊपर गत्ता रखा हुआ था कवर करके। तो अगर किसी ने सफाई करवाई है, ये किसी ने सफाई करी है MCD वाले ने, तो कौन क्यों नहीं करा? MCD या NDMC की लड़ाई में मेरा बच्चा क्यों फंसे? दोनों पार्टियों की आपके उसके अंदर, अगर आपने सफाई करी है, नहीं करी है, गड्ढा बंद है, गड्ढा क्यों नहीं ढका गया, मेरा बच्चा उसमें क्यों सफाई? साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉलोनी सर, स्कूल के गेट के बाहर ही हम लोग डेली बच्चों को सामने उतारते हैं, थोड़ा बहुत रश भी होता है सुबह सुबह जो बच्चों को उतारते हैं, तो उसके सामने D-140 नंबर की कोठी है, घर है, तो उसके जस्ट हम सामने उतारते, बच्चा जहां उतरता है वहीं पे वो गड्ढा था, गड्ढे के ऊपर गत्ता रखा हुआ था सर। अगर वो ढक्कन टूटा हुआ होता या होता ही नहीं तो समझ आता, चल ठीक है ढक्कन वहीं पे पड़ा है सर, और गत्ते से वो कवर करा हुआ है, तो क्या है जानबूझ के कोई किसी की शरारत है, ये क्या घटना है, ये क्या है? तो सर कार्रवाई का मुद्दा है, लेकिन हाँ इसमें जांच जरूर होनी चाहिए, आगे से इस तरह की घटना ना हो। हम तो अपने बच्चे के साथ थे, बहुत सारे पेरेंट्स साथ नहीं होते, बच्चे अकेले भी स्कूल में पढ़ने आते हैं, कोई बुजुर्ग महिला भी उसमें गिर सकती थी, कोई और भी गिर सकता था। अगर मेरे बच्चे का ही वजन गत्ता नहीं संभाल पाया तो आप खुद समझो कि गत्ता कितना हल्का था सर। जब फोन करा 100 नंबर पे, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड भी वहां पे आई थी, पुलिस ने बल, उससे पहले हमने बच्चे को, मतलब लोगों ने, जो लोकल लोग थे उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, उन्होंने मेरे बच्चे को बाहर निकाला, फिर बाकी जो पुलिस की कार्रवाई उन्होंने अपनी करी, उसके बाद मेरे बच्चे को एम्स लेके गए, MLC वगैरह का प्रोसेस जो होता है उन्होंने करा, बाकी मेरा बच्चा एम्स में कल सारा दिन रहा, सारे इसके टेस्ट हुए, अभी भी इसके घुटने में, कमर में, कई जगह ऐसी जगह पे लगी हुई है, बच्चा थोड़ा सा सहमा हुआ है कल से, आज हमने स्कूल भी नहीं भेजा, मैं कहा 2-3 दिन बच्चा भी नहीं जाएगा।